और हमारी संस्कृति जो है सनातन जैसी। विश्वनाथपुर में दो भाग हैं, एक द्रविड़ और एक आर्य, तीसरा कोई भाग नहीं, प्लस और माइनस एक ही फेसों का तो नहीं चलेगा। दोनों संस्कृतियां, दक्षिण में द्रविड़ है, उत्तर में आर्य है, पहले से ये संस्कृतियां चलती आई, आगे भी चलते रहेंगे, इजलास कभी होता नहीं। और अब रही बात विज्ञान के शोध कार्यों की, कि जब तक ये आरक्षण जो है सर्विस में नहीं हटेगा तब तक देश का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके नंबर नंबर है उसको सर्विस नहीं मिलेगी, विदेश जा रहा है, और जिसको 40 नंबर है उसको सर्विस मिलेगी, उसके पास 40 नंबर का ही दिमाग है, बिल्कुल, और 40 नंबर का रिसर्च कर सकता है, इसीलिए तो पुल टूटते हैं ये सब। 90 नंबर का जो दिमाग है वो नहीं, उसको सर्विस नहीं, इसलिए तो मार खा रहा है। हाँ, गरीब के अनुसार जातिवाद ना हो, गरीब के अनुसार आरक्षण हो पढ़ाई में केवल, लेकिन पहले हम आपके खून की जांच करेंगे कि आप दारू कितनी पीते हैं, आपके खून में अल्कोहल मिलेगी, आप 500 रुपये के रोज दारू पी सकते हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ाए, गरीब है, अब गांजा भांग पीते हैं, अफीम खाते हैं तो आपके खून में निकोटीन है, तो क्या आप गरीब हैं? अगर वास्तव में गरीब हैं तो आपका बच्चे को आपके घर में नहीं रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, तो सरकारी खर्चे से खाएगा, कपड़े भी सरकारी होंगे, किताब कापी सरकारी होंगे, पढ़ाई भी सरकारी होगी, और अच्छे नंबर निकाल, और अपने सर्विस में जो है कम किस्म करके नंबर निकालो, और अपने सर्विस में कोई आरक्षण नहीं। हाँ, पढ़ाई में होना चाहिए गरीब के लिए, जो वास्तव में असहाय है उसके लिए होना चाहिए। गरीब क्यों है, यहाँ कुछ मेन चीजों की आवश्यकता है मेरे विचार में। पहला विचार, अगर देश को संपन्न बनाना है तो 2-3 फार्मूले अजमाने पड़ेंगे। जो सर्विस क्लास वाले हैं इनको कितना फंड मिलता है भाई, लास्ट रिटायरमेंट के बाद है प्रिंसिपल साहब, कितना फंड मिलता है औसतन, पैर पिछल एक चपरासी से लेकर एक बड़ा अधिकारी के बीच में जो औसतन है, तो रिटायरमेंट के बाद कितना फंड मिलता है, 20 लाख 30 लाख मिलता है, 30 लाख से ज्यादा मिलता है, मिनिमम औसतन मिनिमम 30 लाख 30 लाख हम आपको 30 लाख नहीं देंगे सर्विस क्लास वाले, उसमें दो भाग करेंगे, 15 लाख की तो आपकी एफडी होगी और वो आपको ब्याज मिलेगा उस एफडी का, जो महीने के महीने जो ब्याज आ रहा है एफडी का, वो भी रिजर्व बैंक में होगी, आम बैंकों में नहीं होगा, ताकि ब्याज आपको अधिक मिले, और जो 15 लाख बचा है आप ही के इलाके में एक फैक्ट्री होगी, इंडस्ट्री की होगी, वो फैक्ट्री आप चलाएंगे, पैसा आपके पास आने में तो आप गाड़ी ले लेंगे, मकान में लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको देना ही नहीं नगद पैसा, वो आधा पैसा आपकी फैक्ट्री लगेगी, और 40 साल में आपको रिटायरमेंट कर देंगे, 20 साल में सर्विस, 20 साल सर्विस करो, 40 में रिटायरमेंट, ये बेरोजगार पढ़ाने का लड़का ये आके सर्विस करेगा, उद्योग सृष्टि हो जाएगा इसमें, उद्योग सृष्टि हो जाएगा। अरे विदेश में भेजेंगे ना माल, हम तब तीसरा होगा हमारा, 10 का भेजेंगे हम 5 का देंगे, और वही आपकी फैक्ट्री होगी जो रॉ मेटेरियल आपके इलाके में है, आपको दूर नहीं देंगे, आपके नजदीक ही देंगे, आपके गांव के 10 किलोमीटर के अंदर आपकी फैक्ट्री होगी, चाहे मोमबत्ती बनाओ, चाहे साबुन बनाओ, चाहे शैम्पू बनाओ, चाहे बल्ब बनाओ, कुछ भी करो आप। और दूसरा मार्केटिंग में, अगर आपकी दुकान है तो आपकी दुकान में एक ही आइटम होगी, एक आइटम का लाइसेंस होगा, अगर आपके पास झाड़ू की है तो झाड़ू ही मिलेगा, दूसरा आइटम नहीं रख सकते आप, अगर आप नमक वाला है तो नमक ही मिलेगा, दूसरा आइटम नहीं मिलेगा, उसमें क्या होगा, सभी मार्केट वालों के पास अच्छा व्यवसाय चलेगा, कि नमक सभी को चाहिए, झाड़ू सभी को चाहिए, साबुन तो साबुन ही मिलेगा एक के पास, दाल वाले में दाल ही मिलेगी, चावल नहीं मिल सकता है, तो उसमें क्या सभी का दुकान चलेगा, ये नहीं कि एक ही दुकान में सब भर रखा हुआ, वही भीड़ है, दूसरी दुकान वाला बैठा खाली बेरोजगार बैठा हुआ। अभी सुपरमार्केट का व्यवस्था चल रहा है, नहीं वो ठीक है, सुपरमार्केट यही सुपरमार्केट है क्या पापा, एक ही आइटम होगा, 10 रुपये कुछ नहीं, और वहां रेट लिखी हुई है कि झाड़ू 10 रुपये की है तो 10 की है, न कम न ज्यादा, आप सीधे जमा करे नहीं उठाइए, जितना चाहिए आप ले जाइए, भीड़ खत्म हो जाएगी, नमक का पैकेट इतने का है तो इतने का है। फिर दूसरा राष्ट्रीय करना पड़ेगा, आपके पास तो 1000 एकड़ जमीन है,
इसके पास 2 एकड़ जमीन है, इसके पास है ही नहीं। जमीन भी सबको बराबर दिया जाएगा, आपको अधिक है तो छीना जाएगा, कम है तो दिया जाएगा, पूरा तो सब अपना आप संपन्न हो जाएगा। और दूसरा ये जो मुद्रा है ना, मुद्रा 1 रुपए का वजन 1 किलो करना है और 10 रुपए का वजन 10 किलो और 50 रुपए का वजन 50 किलो और 100 रुपए का वजन 100 किलो और 500 रुपए का वजन 500 किलो। आप क्रेन लाके उठा के ले जाओ, 1000 रुपए है उसको उठा के क्रेन से ले जाना पड़ेगा, आप तो उठा नहीं सकते, 1000 किलो है तो भ्रष्टाचारी खत्म, तो पैसा बैंक में रहेगा, आप खाली चेकबुक के द्वारा ही काम करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप इंजीनियर हैं और आपके अकाउंट में बार बार ये पैसा आ रहा तो कहाँ से आ रहा है, आपको तनख्वाह महीने में मिलती है, ये रोज आपके पास चेक कहाँ से आ रहे हैं, उनकी जांच करो, आप पकड़े जाएंगे 2 नंबर का माल, आप जो भ्रष्टाचारी हो रहे खत्म हो जाएगी, पहले जेब में रहेगा ही नहीं, बैंक में रहेगा तो उतना भारी कौन उठाएगा, खाली चेकबुक रहेगी आप देते रहो और चलता रहेगा। तो ये चीनी मिट्टी के जैसे नहीं, इलेक्ट्रिक सीट इस टाइम की बनानी पड़ेगी मुद्राएं। अभी मोदी जी कर रहे हैं सब, देखो ऐसा है मोदी तो कर रहा है लेकिन अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता है, मोदी ने वो काम करके दिखा दिया जो अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की। कुछ साल पहले 3 देश ऐसे थे जो आकाश में जो सैटेलाइट को मारने की क्षमता रखते थे, रूस, चीन और अमेरिका, लेकिन इसने अपनी सैटेलाइट को मार के दिखा, 4th नंबर इसने दर्ज किया, पहली बार में ही मंगल ग्रह के ऊपर अपना यान पहुंचा दिया, मंगलयान, चंद्रमा पर भी यान भेजा, जाए तो चक्कर काट रहा है, एक उतरने में थोड़ा सा गड़बड़ होगी, हड़बड़ाहट हो गई, 1 सेट मिसाइल बन रही है, 1 सेट विकास हो रहे हैं, कश्मीर में जो धारा 370 लगी थी अवैध रूप से वो हटा दी गई, तो कई ऐसे काम किए हैं जो, तो मोदी को तो अभी करीबन 20-25 साल और रहने देना चाहिए, बुढ़ा भी हो जाए तो, तू बैठा रहा कोई नहीं, जवान को रख लेना भाग दौड़ करने के लिए, हाँ और तुम बैठे रहना वहीं पर और बुढ़ा बैठा रहेगा और जवान भागा दौड़ी करेगा, बता देना इतना ही बोलना, फालतू मत बोलना। तो आज हमारे को देश को ऐसो की आवश्यकता है, अन्यथा दुनिया वाले हमको चाइना ही गुलाम कर लेगा, चाइना अब तक तो पूरा खा गया होगा भारत को, वो तो मोदी की जो 2 सालों की सेना खड़ी है तो आगे हिम्मत नहीं बढ़ रही उसकी, जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों तैयार हैं लड़ने को, लेकिन हिम्मत दोनों की नहीं है, और जितना लेट करेगा उतना ही अच्छा है, हम हथियारों को और जमा करेंगे, हमारा कारखाना चल रहा है, आविष्कार चल रहे हैं, DRDO लगा हुआ है, ISRO लगा हुआ है, ये दोनों जगह खोज कर करके रोज बना रहे हैं, ऐसा करके आज देश को देखा जाए तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। अब हम देखें 7 साल हमारे देश को हो गया, इसमें से 55-60 साल कांग्रेस को रहा, क्या क्या गरीबी उठाया, भ्रष्टाचार फैला, हथियार तक नहीं है फौज के पास, क्या है तुम्हारी, क्या तुम करो अपना भ्रष्टाचार करो, अपना घर भर के विदेशों में पैसा पहुंचा रहे हो, तो मोहम्मद गोरी के जुर्मी है, वो तो हमारे मंदिरों को और हमारे देश को लूट के अपने देश में ले गया, ये हमारे देश के लोग अपने देश को लूट के विदेशों में पहुंचा रहे हैं और विदेश का माल पर आया नहीं कि हाथ कभी भी दोबारा, ऐसा है कि देखो आज इस प्रकार की स्थिति है, इसको हर व्यक्ति को पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा।